आज हम आपके लिए बना रहे हैं औषधि जो कि डेंगू के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बहुत सारे लोगों को डेंगू हो चुका है। डेंगू के जो मच्छर है बहुत, उसका सीजन चल रहा है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। लेकिन उसका जो देसी आयुर्वेदिक इलाज है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये पपीता है, तो पपीते के हम पत्ते लेंगे। सबसे पहले तो इस तरह से इतना सा पत्ता हमने लेना है और हमने इसमें डालने हैं तुलसी के पत्ते। 10 पत्ते लेंगे हम तुलसी के। ये जो घरेलू औषधियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा असर करती हैं। जो प्लेटलेट्स सेल है वो घम हो जाते हैं और बुखार टूटता नहीं है। तो इस घरेलू नुस्खे से आप ट्राई कीजिए तो यकीन मानिए कि बाबा रामदेव का बताया हुआ जो नुस्खा है तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। तो ये देखिए, मैंने 10 से 12 पत्ते ले लिए हैं, पपीते का पत्ता ले लिया है। तो इस तरह से इन पत्तों को सबसे पहले हमने धोना है। फ्रेंड, ये गिलोय है तो ये सबसे ज़्यादा रामबाण काम करती है। गिलोय की बेल अगर आपने नहीं देखी हो तो इस तरह के पान के शेप के इसके पत्ते होते हैं। तो इसकी हमने एक छोटी सी टहनी लेनी है, वो मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह की गिलोय होती है। इसकी जो डंठल होता है ये ज़्यादा मजबूत होता है, इसका काम है ज़्यादा होता है। पत्ते इसमें इतना काम नहीं करते हैं डेंगू में। तो इस तरह से जहाँ से हमने डंडी को तोड़ लेना है, दातुन की तरह होती है, ऐसे इसको तोड़ लेंगे। ये देखिए, बस इतनी सी डंडी हमें चाहिए होगी, 2 खुराके बन जाएंगी एक दिन की। तो इतनी डंडी हमने ले ली है, अभी बीच में डाल लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लेना है, कोई धूल मिट्टी कोई मक्खी मच्छर बैठा हो तो वो धुल जाए। आप चाहें तो इसमें एलोवेरा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत हो जाती हैं और आपको आश्चर्यजनक जो नतीजे हैं वो निकल के सामने आएंगे। इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से मल के धो लिया है, तो कोई भी धूल मिट्टी इसमें नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, तो सारे पत्ते मैंने धो लिए हैं। अब इनको हम सिलबट्टे पे लेके चलते हैं। इतने डस्ट देख लो निकल ली है, तो सब कुछ हमने अच्छी तरह से साफ करना है, इसको झाड़ लेना। तो फ्रेंड, मैं धो के इनको ले आई हूँ। एक बार फिर से हम चेक करेंगे, कोई भी धूल मिट्टी इसके ऊपर नहीं हो। तो इस तरह से ये पत्ते बिल्कुल साफ हैं और पपीते के पत्ते को भी हमने अच्छी तरह से तोड़ लेना है। और ये गिलोय तो है ही, तो इसको हमने पत्थर की कुंडी में या फिर आपके पास लोहे की सिलो उसके ऊपर पीसेंगे। आपने इसको मिक्सी में नहीं पीसना है, तो क्योंकि मिक्सी में पीसने के लिए थोड़ा सा हमें पानी चाहिए होगा, लेकिन पानी इसमें बिल्कुल भी हमने टच भी नहीं करना है। इसी का रस देना है जो कि आपके लिए अमृत समान हो जाएगा। तो अब इसको हमने कूटना है। जैसे हमने पुदीने की चटनी बनाते हैं धनिया की, उस तरह से इसको बारीक पीसना है। ये पपीते के पत्ते के रेशे हैं, तो इसको थोड़ा सा हमने कूटने में टाइम लग जाना है। बस 2 मिनट इसको लगते हैं। अगर आप टाइम देख के भी करेंगे तो कूटने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगेंगे एक औषधि बनाने के लिए। अगर आपने ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना है थोड़े 10-15 मिनट लग सकते हैं, लेकिन हम एक पेशेंट के लिए ये बना रहे हैं, बहुत ही सफिशेंट हो जाएगा। इसका रस है जो अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा अभी। तो फ्रेंड, अब ये पीसा जा चुका है, ये देखिए। अब इसका हमने रस निकाल लेना है, क्योंकि ताज़ा ताज़ा बिल्कुल फ्रेश रस हमने देना है। इसके साथ अगर आप पेशेंट को नारियल का पानी देंगे, मौसमी का जूस देंगे, तो बहुत ही जल्दी ये बीमारी है वो रिकवर हो जाती है और सेल हमारे काउंट है वो बढ़ जाता है। इसको छलनी में रखना है हमने। बहुत ही लेसदार होता है, क्योंकि गिलोय और जो पपीते के पत्ते वो लेसदार होते हैं, तुलसी के पत्ते लेसदार नहीं होते हैं। तो इसको हमने इस तरह से दबा दबा के इसका रस निकाल लेना है। बहुत थोड़ा रस निकलेगा एक एक बूंद करके, फिर भी हमने इसको दबाते रहना है।
इसको हमने इसी के साथ दबा देना है। तो इस तरह से 2 से 3 चम्मच हमारे पास तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इतना सारा सफिशेंट है। इसको हम कांच के ग्लास में डाल देंगे। ये देखिए बहुत थोड़ी सी औषधि है, थोड़ी कड़वी होती है लेकिन बुखार को तो ऐसे तोड़ देती है जैसे कि हम तेजाब फर्श पर डाल देते हैं, उसके कण जो मैल होती है वो सारी निकल जाती है। उसी तरह से ये बहुत ही अच्छी औषधि है। आप दवाइयों से परहेज करेंगे और सिर्फ इसी को पियेंगे तो आप देखना कि आपके प्लेटलेट्स कितने बढ़ जाएंगे। तो चलिए इसको आप भी अपने घर पे, अगर कोई डेंगू का पेशेंट है, कोई रिश्तेदार है, तो इस तरह से लाइव मैंने आपको बना के बताया है। बहुत ही अच्छी ये एक तरह की मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। बाबा रामदेव जी इसको अक्सर बताते रहते हैं। हमने इसको अपने घर पे प्रयोग किया है तभी ये मैंने औषधि आपके साथ शेयर की है। तो आप भी इस औषधि को बनाइए और स्वस्थ रहिए। तब तक मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।